हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू महाराष्ट्र नर्सिंग एकेडमी। आज की अपनी क्लास टू है ज्योग्राफी की, जो कि अपने को अपने एग्जाम के लिए नॉन नर्सिंग सिलेबस के लिए हमें क्लियर करना है। तो चलो आज हम क्या पढ़ेंगे, कल हमने क्या पढ़े, सोलार सिस्टम पढ़े, तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। ठीक है, इसका डायमीटर क्या है, व्हाट इज लैटिट्यूड, व्हाट इज लॉन्जिट्यूड, ये सारी बातें हम आज के क्लास में देखेंगे। तो बिना देरी से हम लोग आज क्लास चालू करते हैं। देखो आपके सामने क्या है, अर्थ है। ओके, तो अर्थ का सब डायमीटर देखते हैं। सबसे पहले डायमीटर ऑफ अर्थ, तो अर्थ का डायमीटर हर जगह से सेम होगा क्या? अर्थ का शेप कैसा है? अर्थ शेप ये है, जियोइड शेप, मीन्स जस्ट लाइक अ स्पीयर, बट जस्ट लाइक अ स्पीयर, नॉट अ एग्जैक्टली स्पीयर। सो अर्थ का शेप कौन सा हो गया, जियोइड, जीवॉइड शेप है। ओके, और अभी हम बात कर रहे हैं डायमीटर की, तो मुझे बताओ, जैसे कि ये जो लाइन दिख रही है आपको, इक्वेटर, इसको इक्वेटर बोलते हैं। तो ये जो लाइन है, यहां का डायमीटर ऑफकोर्स ज्यादा होगा, और फिर इधर का, यहां का देखोगे तो ये कम हो जाएगा, नीचे का देखोगे तो कम हो जाएगा, इसके और ऊपर जाओगे तो कम हो जाएगा। इसका मतलब अर्थ का डायमीटर हर जगह से सेम है क्या? नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट है। तो देखो अभी मैं वैल्यू बताती हूँ। हाँ, सो देखो, सबसे पहले मैं एक बात बताती हूँ आपको, ये जो बीच वाला है, मतलब पूरे बीचों बीच, अर्थ के बीचों बीच से जो लाइन गुजरती है, उसको क्या बोलेंगे अपन, इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ओके, और ये जो ऊपर वाले दिख रहा है, दिस वन, और ये नीचे वाला, दिस वन, ये क्या है, इसको पोल बोलेंगे। ये ऊपर वाला नॉर्थ पोल हो गया, और नीचे वाला साउथ पोल हो गया। ठीक है, तो अर्थ का जो डायमीटर है वो दोनों जगह चेंज है, मीन्स इक्वेटर के यहाँ पे कितना है इसका डायमीटर, 12,756 किलोमीटर है, और पोल पे कितना हो रहा है, 12,740, मतलब पोल पे डायमीटर कम होता है। इतना क्लियर हो गया, अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अभी हमारी डायमीटर की बात क्लियर हो गई, अब देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सभी को पता है क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा था, है ना, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा कहां पे रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा रहेगा पोल पे। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर एट पोल्स, और कम कहां पे रहेगा, यहां पे, ये जो है लाइन, इसको इक्वेटर बोलते हैं, तो कम, उससे कम इक्वेटर पे रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स का भी समझा कि पोल पे ज्यादा है, इक्वेटर पे कम है, इक्वेटर पे लेस रहेगा। अभी बात करेंगे स्पीड की, कौन से स्पीड की बात करेंगे, जो अर्थ घूमती है, दैट इज रोटेशन करती है, उस स्पीड की बात करेंगे, वो कहां पे ज्यादा है और कहां पे कम है। तो सबसे अर्थ की रोटेशन की स्पीड सबसे ज्यादा कहां पे होती है, वो इक्वेटर पे होती है। स्पीड ऑफ रोटेशन इज मोर एट इक्वेटर, और कम कहां पे होंगी, पोल पे होंगी। ठीक है, डायमीटर की बात हो गई, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो गई, और अभी स्पीड की भी बात होगी, जो अर्थ रोटेट करती है उसके बारे में। अभी आगे चले, नेक्स्ट देखते हैं। आपके आगे एक इमेज आई है, इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है। ओके, वर्ल्ड में इसमें क्या क्या है, कॉन्टिनेंट्स लिखे, कॉन्टिनेंट वर्ल्ड मैप में हम लोग कॉन्टिनेंट देखेंगे कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे प्लेस है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि एशिया कहाँ पे, अफ्रीका कहाँ पे, यूरोप कहाँ पे, तो अभी के इसमें अपन ये क्लियर करेंगे, इसके बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो, तो ये जो दिख रहा है, ये जो ब्राउन कलर में, ये एशिया है। एशिया में कौन से कंट्रीज आते हैं, जस्ट नॉर्मली आपको पता होंगे, अपना इंडिया कहाँ पे आता है, एशिया में आता है ना। इंडिया के आजू बाजू में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, कहाँ पे आएंगे, एशिया में। एशिया में चाइना और रशिया, रशिया आधा एशिया में है और आधा यूरोप में है। तो ये एशिया कॉन्टिनेंट हो गया, सबसे पहला कौन सा हुआ, एशिया। नेक्स्ट कौन सा दिख रहा है आपको, ये देखो, ये जो रेड वाला दिख रहा है नीचे, अपने नीचे, ऑस्ट्रेलिया, कौन सा दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया।
फिर आ जाओ इधर येल्लो की तरफ, ये कौन सा है? अफ्रीका। फिर ये देखो यूरोप, कौन से बचे अभी? ये बचा नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और फिर ये इसके नीचे वाला साउथ अमेरिका। कितने हुए टोटल? काउंट करो, एशिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एक बचा, कौन सा बचा है? ये वाला नीचे वाला अंटार्कटिका है ना, यहाँ पे पॉपुलेशन तो रहती नहीं है, अंटार्कटिका बचा है। इतना क्लियर हो गया एशिया? सब लोगों को अपने रूम में, जो भी जहां पे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे जोर जोर से बोलना है कि इसके बाद भूल ना सको। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। अब याद कैसे रहेंगे आपको और लोकेशन कैसे समझेंगे कि ये कौन सा है? ठीक है, देखो, अभी देखो यहाँ पे, अभी मैं बता रही हूं, समझो समझो, ये हमारा एशिया है। एशिया के एग्जैक्टली लग के कौन सा था? यहाँ पे यूरोप पकड़ेंगे। ओके, यहाँ पे नीचे कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया था। फिर यूरोप से कनेक्टेड कौन सा है? अफ्रीका पकड़ लो। उससे दूर फिर इधर कौन सा आएगा? नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पे साउथ अमेरिका। मुझे कमेंट में आंसर दो कि जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो कौन से कॉन्टिनेंट में है? नॉर्थ अमेरिका में है कि साउथ अमेरिका में है? और नीचे वाला कौन सा रहा? अंटार्कटिका। ठीक है, देखो एशिया ये हमारा इंडिया हो गया, ये एशिया, और एशिया के एग्जैक्टली साइड में कौन सा आ रहा है? ये देखो एशिया के एग्जैक्टली साइड में कौन सा है? यूरोप है ना। फिर यूरोप को अफ्रीका की ये लगती है, बाउंड्री लगती है, यूरोप और अफ्रीका दोनों बाउंड्री शेयर करते हैं। सो यूरोप के नीचे कौन सा है? अफ्रीका। उसके बाद में एकदम नीचे आओ, इधर एशिया के नीचे साइड में तो आएगा ऑस्ट्रेलिया। ये चार कॉन्टिनेंट आपके ध्यान में आ गए होंगे, जैसे कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। अब ये रहे दो कॉन्टिनेंट इधर वाले साइड वाले, तो ऊपर वाला नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि ये यहां से जाएगा इक्वेटर। ओके, इक्वेटर जाएगा, तो इक्वेटर के ऊपर वाली सारी चीजें नॉर्थ में काउंट की जाती है और जो नीचे वाली होती है वो साउथ में काउंट की जाती है। तो ये ऊपर है तो ये नॉर्थ अमेरिका हुआ, और इसके नीचे है तो ये साउथ अमेरिका हुआ। ठीक है, और जो अपना यूएसए है वो कौन से कॉन्टिनेंट में? नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, अब ये समझ गया होगा, अब ये तो समझ गया आपको, बट आपको ये देखना है कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है। तो इसको लाइन वाइज अब डिवाइड करते हैं। ओके, सबसे पहले देखेंगे एरिया वाइज देखेंगे, उसके बाद पॉपुलेशन वाइज देखेंगे। तो चलो, मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट के लिए नया होगा और थोड़ा टफ भी लग रहा होगा, बट ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे जब तक हमको याद नहीं होता। अभी हम कॉन्टिनेंट्स को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। ओके, चलो एरिया वाइज हम देखते हैं कि सबसे बड़ा एरिया किसका है। अभी आपने तो मैप में देखे होंगे कि किसका सबसे एरिया बड़ा दिखा, ऑफकोर्स हमारा देश, हम जहां पे रहते हैं, दैट इज एशिया। एशिया सबसे बड़ा, कितना बड़ा है ना, पूरा ऊपर से मतलब चाइना कवर किया है, रशिया कवर किया है, इधर नीचे तक सुमात्रा, इंडोनेशिया, तो बहुत बड़ा एशिया है। ओके, फिर आता है सेकंड, सेकंड कौन सा आएगा? अफ्रीका आएगा, सेकंड अफ्रीका आता है। थर्ड नंबर पे कौन सा आता है? थर्ड नंबर पे जहां पे यूएसए, कनाडा है, जो मैंने बोला था एग्जैक्टली नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ पे कौन सा आएगा? साउथ अमेरिका। एरिया वाइज देख रहे हैं, मतलब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। फिफ्थ नंबर पे कौन सा आएगा? यूरोप। यूरोप आएगा कि अंटार्कटिका आएगा? कौन सा आएगा फिफ्थ नंबर पे? अंटार्कटिका आएगा, अंटार्कटिका। फिर सिक्स नंबर पे कौन सा आएगा? यहां पे आएगा यूरोप, जो यूरोप वाले हमारे देश में आके राज करके गए वो उनका यूरोप, छोटा है सिक्स नंबर पे। ठीक है, फिर सेवन नंबर पे कौन सा आएगा? ऑस्ट्रेलिया। चलो अभी तो लर्न हुआ ही होगा, एरिया वाइज देखे तो सबसे बड़ा एशिया, सेकेंड अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका,
फिर साउथ अमेरिका, फिफ्थ नंबर पे अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया एरिया वाइज। अभी पॉपुलेशन देखते हैं कौन से इसके ज्यादा है। चलो पॉपुलेशन वाइज देखते हैं अपन कि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कौन से इसमें, सबसे ज्यादा कहां पे रहेंगी। ये तो बहुत बड़ा है ना एशिया, इसमें एशिया में तो चाइना और इंडिया ये दोनों सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्रीज यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो इसकी पॉपुलेशन तो ज्यादा ही रहेंगी। तो सबसे पहला एशिया, ठीक है। फिर कहां पे रहेगा सेकंड नंबर पे अफ्रीका, अफ्रीका में भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। थर्ड नंबर पे क्या आएगा, थर्ड नंबर पे आएगा यूरोप। देखो यूरोप तो छोटा सा है बट वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ओके। और उसमें उसके अंदर आप जब यूरोप पढ़ोगे तो उसमें अंदर छोटे 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 बहुत सारे कंट्रीज है। फोर्थ नंबर पे आएगा नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ पे आएगा साउथ अमेरिका, और सिक्स नंबर पे क्या आएगा ऑस्ट्रेलिया, और सबसे लास्ट में क्या आएगा अंटार्कटिका आएगा, क्योंकि वहां पे तो लोग रहते नहीं है, ये तो यहाँ पे तो पूरा आइस कवर है ना अंटार्कटिका, ओके। ये क्लियर हो गया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से फिर से कॉन्टिनेंट आ गया, बट यहाँ पे हम कॉन्टिनेंट नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम ओशियंस पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ओशियंस देख लेते अभी, जैसे कि ओके चलो अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे ओशंस। पहले तो सबसे पहले काउंट कर लो कि कितने ओशंस है, ओके। देखो क्या है, पहला इंडियन, इंडियन ओशन, हिंदी में हम क्या बोलते हैं उसको, हिंद महासागर, राइट। फिर है अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन और सदर्न ओशन। कितने हुए, 1 2 3 4 5। पहले तो हम चार ही पढ़ते थे, अभी ये सदर्न ओशन एक्स्ट्रा आ गया, मीन्स इसको भी पढ़ना पड़ता है, ओके। तो यहाँ पे देखो जो हमारा इंडिया है इसके नीचे जो भी जो ओशन है उसको क्या बोलेंगे हम, इंडियन ओशन। ये पहला ऐसा ओशन है कि जिसको एक कंट्री के नाम पे नाम पड़ा है, ओके। फिर उसके बाद में हम आते इधर साइड में, यूरोप के साइड में आ जाओ, यूरोप और अफ्रीका के बीच में और इधर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में ऐसे एस शेप का एक ओशन है, उसका नाम है अटलांटिक ओशन। क्या नाम है उसका, अटलांटिक ओशन। फिर यहां पे एक ओशन है उसके बाजू में, मींस नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बाजू में कौन सा आएगा, पैसिफिक ओशन। सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, पैसिफिक ओशन। तो ये जो पैसिफिक ओशन है ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के साइड में तो इधर तो आता है, हमारी अर्थ तो ऐसे पूरी कंप्लीट है ना, पूरा सर्कल है, ऐसे तो नहीं कि ऐसे इधर खत्म हो जाती है। तो ये हमारे एशिया के बाजू में भी इधर ये ऐसा पूरा इधर पैसिफिक ओशन, ठीक है। और जो नीचे है मतलब सदर्न साइड में, ये इक्वेटर के नीचे साइड में, इसको बोलेंगे सदर्न ओशन। अब कौन सा बचा, आर्कटिक ओशन बचा, जो एकदम पोल पे है। आर्कटिक ओशन पे भी पूरा आइस होता है, ठीक है, क्योंकि ये पोल पे है, वहां पे सनराइज पहुंच नहीं पाते इसलिए वहां पे हमेशा आइस होता है। तो ये आर्कटिक ओशन हो गया। देखो ये समझो, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया और ये नीचे वाला साउथ अमेरिका हो गया। यहां पे कौन सा ओशन बोला था मैंने, पैसिफिक ओशन बोला था, पैसिफिक ओशन, ठीक है। और ये हमारे साइड मतलब इधर इधर एशिया है यहां पे, और नीचे कौन था, ऑस्ट्रेलिया था, है ना, ऑस्ट्रेलिया और एशिया। तो ये देखो ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, ये कौन सी साइड हो गई इनकी, वेस्ट साइड हो गई। मतलब पैसिफिक ओशन कौन से साइड में प्रेजेंट है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट साइड में प्रेजेंट है। और बात की जाए हमारी मीन्स एशिया की और ऑस्ट्रेलिया की, तो हमारे कौन से बाजू में ये प्रेजेंट है, ईस्ट साइड में। आपको डायरेक्शन तो पता है ना, ऊपर वाली नॉर्थ, नीचे वाली साउथ, इधर वाली वेस्ट और ये ईस्ट। तो इस हिसाब से देखें तो ये हमारे ईस्ट साइड में है और ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट साइड में। ये क्लियर हो गया, हम लोग पैसिफिक ओशन की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, पैसिफिक ओशन। और कौन सा इस पूछ सकते हैं कि ये कौन से शेप में है, सर्क्यूलर से, सर्क्यूलर शेप में, ओके। नेक्स्ट देख, चलो ज्यादा स्ट्रेस मत देना, जितना समझता है और समझने का ट्राई करना है, क्योंकि ये इतना भी कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है। नेक्स्ट क्या है, अटलांटिक ओशन। देखो
कौन से बात कर रहे हैं हम लोग, कौन से ओशन की बात कर रहे हैं? अटलांटिक। अटलांटिक ओशन। ओके, तो ये मैंने अभी बताया आपको, ये कौन से शेप का है? इट इज इन एस शेप। और जो पैसिफिक ओशन था वो कौन सा था? सर्कुलर शेप का। तो अटलांटिक ओशन कौन से किसके किसके बीच में था? ये जैसे नॉर्थ अमेरिका, नीचे वाला साउथ अमेरिका, यहाँ पे था यूरोप और यहाँ पे था अफ्रीका। तो ये चार कॉन्टिनेंट के बीच में है। तो देखो, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के कौन से बाजू में हुआ? ईस्ट साइड में हुआ। और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के कौन से साइड में हुआ? वेस्ट साइड में हुआ। और ये जो बीच में है वो अटलांटिक ओशन एस शेप में है। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी कंफ्यूज नहीं होंगे ना, ईस्ट और वेस्ट एक बार क्लियर हो गया तो आप आराम से लिख सकते हो, और आपको कॉन्टिनेंट की पोजिशन भी पता हो गई तब भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट कौन से ओशन की बात करेंगे हम? इंडियन ओशन। इंडियन ओशन, ठीक है, ये पहला ऐसा ओशन है वर्ल्ड में कि जिसका नाम एक कंट्री से पड़ा हुआ है, इंडियन ओशन। ये कौन से शेप का है? ये एम शेप का है। कौन से शेप का है? एम शेप का। इसको ट्रायंगुलर शेप भी बोलते हैं अपन, ना, ट्रायंगुलर शेप का है। फिर बचा कौन सा? सदर्न ओशन। सदर्न ओशन कहां पे है? अंटार्कटिका के बाजू में, मतलब अंटार्कटिका के पास, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के पास सदर्न ओशन। और लास्ट वाला बचा कौन सा? आर्कटिक। आर्कटिक का है सबसे ऊपर। अभी ओशंस क्लियर हो गए होंगे और कॉन्टिनेंट भी क्लियर हो गए होंगे आपको। समझो कंफ्यूजन होगा ना, तो एक ब्लैंक पेज लेना और वहां पे जैसे मैंने ऐसे रफली ड्रॉ की थी ना, वैसे ड्रॉ करके देखना, आपको समझ आ जाएगा। चलो, आपके लिए होमवर्क कि यहाँ पे ये जो पिक्चर दिख रहा है इसमें आपको, चलो आपके लिए एक होमवर्क है, ये जो पिक्चर है सारे पूरे वर्ल्ड मैप का, इसमें अलग अलग कलर्स दिए, रेड ब्लू ग्रीन, है ना। तो आपको कमेंट में लिखना है, मीन्स कैसे लिखना है, जैसे कि ये ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर कौन सा कॉन्टिनेंट शो कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया। येल्लो कौन सा कर रहा है? अफ्रीका। तो ऐसे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि रेड कौन सा करता है, रेड कौन सा बता रहा है कॉन्टिनेंट, ये ऑरेंज कौन सा, ब्लू कौन सा, और ये फ्रंट वाला ग्रीन कौन सा, ठीक है, पैरेट कलर कौन सा। आप कॉन्टिनेंट्स के नाम कमेंट में लिखोगे कलर के साथ। इसमें मैं अपन एक बार ओशंस के पोजीशन भी देख लेते हैं, ओशंस कौन से किधर है। जैसे कि ये एम शेप वाला, मतलब मैंने बोला था ये एम शेप या ट्रायंगुलर शेप में, कौन सा हो गया? इंडियन ओशन। यस, ये कौन से रहेगा? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के कौन से साइड में? वेस्ट साइड में। कौन सा हुआ? एग्जैक्टली पैसिफिक ओशन। इधर भी ये पैसिफिक ओशन सर्कुलर शेप में है, तो ये भी पैसिफिक ओशन। फिर ये बीच वाला रह गया, ये कौन से शेप में? एस शेप में। ये कौन सा? अटलांटिक ओशन। ओके, ऊपर वाला सबसे पोल के वक्त पास वाला कौन सा? आर्कटिक। और जो नीचे वाला था वो सदर्न ओशन। अब तक क्लियर हो गया होगा? चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे अर्थ के ऊपर के कॉन्टिनेंट और ओशन इतना कवर हो गया। अभी हम अर्थ को समझते हैं कि क्या है इसमें। और चलो, ये हो गई अर्थ, मैंने निकाली हूं, ठीक है, ये अर्थ है। अब देखो, अर्थ पे ना बहुत सारे टाइप्स के हमने इमेजिनरी लाइंस बनाए हैं कि जिसकी वजह से हमें इजी जाए। जैसे कि जो अर्थ के बीचों बीच से जो लाइन जाते हैं उसको क्या बोलेंगे हम? जो जीरो डिग्री, इसको जीरो डिग्री बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? इक्वेटर। ध्यान रखो, अर्थ के बीचों बीच से जो जाती है उसको बोलते हैं इक्वेटर। फिर इक्वेटर क्या करता है? अर्थ को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। कौन से साइड में? एक नॉर्थ साइड में और एक साउथ साइड में, ठीक है। तो इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ साइड में जो लाइन है, और इक्वेटर के नीचे भी साउथ साइड में एक लाइन है, नॉर्थ साइड वाली लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और जो साउथ साइड में है उसको क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ओके, अब ये देखो, अभी आपको ये समझ गया कि जैसे इसको इक्वेटर बोलेंगे, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलेंगे, और इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलेंगे। तो ये जो लाइंस है, जैसे ये इक्वेटर है, यानी कि ये बीचों बीच में है, हमारी अर्थ राउंड शेप में है। सो यहाँ पे इधर ऊपर ऐसे बहुत सारे लाइंस है,
हर एक डिग्री पे एक, ठीक है। नीचे भी सेम, हर एक डिग्री पे एक, मीन्स हमने इसको जीरो डिग्री कंसिडर किए थे ना, तो वैसे ही इसके हर एक इस पे एक एक लाइन है। तो ये जो आड़ी लाइन है, मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइंस है, उसको क्या बोलेंगे हम? लैटिट्यूड। देखो लैटिट्यूड में हम कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे, जितने जिन्होंने बहुत बार पढ़ा है फिर भी कंफ्यूज होते हैं। तो ये याद रखना, जो लेटी हुई है उसको हम लैटिट्यूड बोलेंगे, मतलब वो आड़ी है ना, दैट इज हॉरिजॉन्टल है ना ये, तो उसको लैटिट्यूड बोलेंगे। अब ये ठीक है, ये हो गया लैटिट्यूड। इतना समझ में आ गया आपको? तो हम लोगों को पेपर, हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे पेपर में क्वेश्चंस पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने। ओके अभी हम देख, ये देखो जैसे ये इक्वेटर, सेम ऐसे पैरेलल लाइंस पूरे अर्थ पे है, 1-1 डिग्री के इस पे डिस्टेंस पे, ठीक है। ये नॉर्थ पोल में भी सेम है और साउथ पोल में भी सेम है। तो अभी क्वेश्चन क्या पूछता है? टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड पूछता है, लैटिट्यूड, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड एंगल। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? ये जो इक्वेटर वाली एक लाइन हो गई, लिखे इसको 1, और हमारी अर्थ सर्कल में है, ऊपर 90 है, ठीक है, 90 लैटिट्यूड रहेंगे, नीचे भी 90 रहेंगे, तो टोटल कितना हो गया? 181। किसी ने पूछा आपने को कि लैटिट्यूड टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड एंगल, तो हमारा आंसर क्या होगा? सॉरी हाँ, एएनजी, तो हमारा आंसर क्या होगा? 181। बट किसी ने पूछा कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस, लाइंस कितने हैं? तो ये याद रखना कि जो पोल है, ऊपर वाला नॉर्थ पोल और नीचे वाला साउथ पोल, इसके ऊपर लाइन नहीं होती, इसीलिए इससे माइनस 2 करेंगे, मीन्स 181 माइनस 2 दैट इज 179। सो टोटल नंबर ऑफ लाइंस 179 और टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड एंगल 181। इतना क्लियर हो गया? ये भी याद रखो कि ये जो लाइन्स है, लैटिट्यूड वाले जो लाइन है, वो एक मेक को पैरेलल होते हैं, है ना, वहाँ वो ऐसे किसी एक में ऐसे इंटरसेक्ट नहीं हो रहे या ऐसे एक जगह आके मिल नहीं रहे है। इसलिए ये पैरेलल लाइंस होते हैं लैटिट्यूड। अभी हम देखते हैं लॉन्जिट्यूड। अभी हम क्या देखेंगे? लॉन्जिट्यूड। आपको लैटिट्यूड समझ आ गया कि वो हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो लॉन्जिट्यूड मतलब वर्टिकल लाइंस। तो जैसे कि ये हमारी वर्टिकल लाइंस, इसको प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं। जैसे आड़ी लाइन को कौन से जो मेन थी जीरो डिग्री पे, उसको क्या बोलते थे हम? इक्वेटर। तो वैसे इसको प्राइम मेरिडियन बोलेंगे। तो जो ये लॉन्जिट्यूड है, ये ऐसे खड़े खड़े नहीं रहते, वो पैरेलल नहीं रहते, वो एक एंगल ये बना रहे ऐसे, ठीक है, वो इंटरसेक्ट करते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? लॉन्जिट्यूड। लॉन्जिट्यूड, ठीक है। कि ये क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग वन अनादर। है ना, ये क्लियर हो गया? अब देखो, ओके, तो जब हमको क्वेश्चन पूछेंगे कि टोटल नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूड कितना है, तो देखो ये सर यहाँ पे फुल सर्कल फॉर्म नहीं होता, ये 358 ऐसे जो लॉन्जिट्यूड है पूरे आके मिल रहे, एक मेक को इंटरसेक्ट कर रहे, वो 358 प्लस 2 मतलब कौन से? पहली वाली, ये जो मेन लाइन है, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं उसको, ठीक है, ये एक इसमें से, और एक जो है वो है इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन मतलब हमारे इसमें एक इमेजिनरी लाइन खींची गई है प्राइम मेरिडियन के एग्जैक्टली पीछे वाले साइड में, कि जहां से तुम वहां पे, मीन्स वो लाइन क्रॉस करो तो एक दिन पीछे चले जाओगे, और वो लाइन इधर आ जाओ वो लाइन के इधर, तो एक दिन आगे आ जाओगे, वो है इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ऐसे दो लाइंस इसमें ऐड किए, तो टोटल कितने हुए? 360। और जो ये प्राइम मेरिडियन, इसका क्या काम है? प्राइम मेरिडियन मतलब अर्थ के बीचों बीच से निकाली हुई लाइन, इसकी वजह से हम टाइम जोन डिवाइड कर सकते हैं, मीन्स इससे टाइम जोन पता चलेंगे हमको। जैसे कि आप रुको बताती हूँ, ये इक्वेटर हो गया और ये प्राइम मेरिडियन हो गया। तो जो भी इंसान प्राइम मेरिडियन पे है,
यहाँ पे प्राइम मेरिडियन में लंदन, आई थिंक यूरोप आता है ना, यूरोप जो कॉन्टिनेंट हमने पढ़े ना वो आता है। तो जो हमारा इंडिया है वो इधर है, इसके ईस्ट साइड में, हम लोग ईस्ट वाले कंट्रीज बोले जाते हैं, और ये जो इधर वाले हैं ये वेस्ट बोला जाता है पूरे वर्ल्ड का। तो ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे समझो 12 बजे है, तो ईस्ट में पहले सन निकलता है, तो हमारे यहाँ पे इसके पहले बजेंगे, मतलब हमारे यहाँ पे हम लोग 5 घंटे आगे है ना इसके प्राइम मेरिडियन के, पहले हमारे यहाँ पे टाइम होता है, फिर उसके बाद 5 घंटे बाद में वहां पे सेम टाइम होता है। ठीक है, इतना आपको समझा है, आगे बढ़ते हैं। चलो अभी ये इमेज में देखो, आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी तो हमने मैंने समझा के बता दी हूँ। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, लैटिट्यूड, लेटी हुई लाइन मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइंस मीन्स लैटिट्यूड हो गया, मीन्स जो आड़े है, है ना, ये देखो ये आड़ी लाइन इक्वेटर हो गया, लैटिट्यूड बोलेंगे। लॉन्जिट्यूड मतलब वर्टिकल लाइंस जो ग्रीन कलर में है, ये देखो ग्रीन कलर वाली, उसको क्या बोलेंगे, लॉन्जिट्यूड, वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन में ये कौन सी, प्राइम मेरिडियन, ये लॉन्जिट्यूड इसको पकड़ा जाता है, जहां से टाइम हमारा ये होता है, और इसके पीछे एग्जैक्टली इंटरनेशनल डेट लाइन है। अब समझा, इसे मैं इससे अच्छे से समझाऊंगा, और जो भी पहले भी समझाई थी वो नहीं समझ में आऊंगा तो एक बार कमेंट में लिखो, मैं फिर से समझा के बता दूंगी। इस इमेज से हम लोग एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं, जैसे कि फिर से देखो इक्वेटर 0 डिग्री पे, अर्थ को डिवाइड कर दिया इक्वेटर ने नॉर्थ साइड में और साउथ साइड में। अब ये देखो ये जो लाइन जा रही है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हमारी इंडिया से जाती है कि नहीं जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कमेंट में लिखना। फिर उसके नीचे आ जाओ साउथ साइड में, देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, देखो इक्वेटर 0 डिग्री पे है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से 23.5 डिग्री पे है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी 23.5 डिग्री पे। ठीक है, ऊपर चलो, ऊपर देखते हैं अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के क्या आता है, इसको क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल। ऊपर मैंने पढ़ाया था कि आर्कटिक ओशन है, हाँ, तो इसको आर्कटिक सर्कल बोलेंगे। नीचे क्या है, नीचे वाले को साउथ पोल बोलेंगे, ऊपर वाले को नॉर्थ पोल बोलेंगे, ये 90 डिग्री पे, तो इसको अंटार्कटिक सर्कल बोलेंगे, क्योंकि नीचे अंटार्कटिक क्या था, कॉन्टिनेंट था। ठीक है, अब इधर देखो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया इक्वेटर ने क्या किया, डिवाइड किया नॉर्थ हेमिस्फीयर में और साउथ हेमिस्फीयर में। अब यहां पे हमको यही बता रहा है कि ये जो आड़े आड़े वाले जो लाइंस है ये पैरेलल लाइंस है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, और यहां पे क्या बोल रहा है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड, मतलब जो ये प्राइमरी मेरिडियन यहां से गई है उसके ये लॉन्जिट्यूड। अब क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, दिखे आपको प्राइम मेरिडियन, देखा कहां से जा रही है, ये यूरोप, अफ्रीका से भी जा रही है, अफ्रीका के इधर वाले पार्ट में से। ठीक है, अब ये कॉन्टिनेंट भी देख लो एक बार, ये जो इक्वेटर लाइन है कहां से गई है, ये अफ्रीका से पास हुई है। ये भी ध्यान रखो, अफ्रीका ऐसा एक कॉन्टिनेंट है कि जहां से तीनों लाइन्स जाती है, तीनों लाइन्स मतलब इक्वेटर भी वहीं से जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जाती है। तो सबसे ज्यादा गर्मी इसीलिए अफ्रीका में है, सबसे ज्यादा मीन्स बोलते ना हम लोग कि अफ्रीका के लोगों की डार्क स्किन है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा मीन्स ऑल टाइम सन रहता है, हमेशा सन, जो समझो ये सन है और ये अपने रेज यहाँ पे गिरा रहा है, तो हमेशा सन के रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक ही रहते हैं, इसके ऊपर नहीं जा सकते, इसीलिए मतलब ये जाएंगे भी इधर पर कितना टाइम लगेगा, बहुत लंबा डिस्टेंस हो जाता है ना, आप देखो पोल के तरफ जाने में कितना ये लगेगा, और ये जो है अपना इक्वेटर पर तो डायरेक्टली फोकस करेंगे, है ना, फिर उसके बाद में इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे जा सकते, मतलब जैसे जैसे सन मूवमेंट करता है अपनी अर्थ सन के आजू बाजू में घूमती है ना, तो उसके इस पे सन हमेशा ये दो इसके बीच में रहता है, बट पोल तक तो जा नहीं सकता, इसीलिए पोल वाले जो पोल पे जो कंट्रीज होते हैं वहां का एनवायरमेंट ठंडा होता है, समझा, ये अंटार्कटिका में तो अभी भी बर्फ होता है, मतलब ऑल टाइम बर्फ होता है, और आर्कटिक सर्कल में वहां पे भी बर्फ होता है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा, कल के क्लास में हम बाकी कंटिन्यू करेंगे, कल के क्लास में हम मोशन ऑफ अर्थ देखेंगे और उसके हिसाब से सीजन कैसे चेंज होते हैं, सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, सबसे छोटा दिन कौन सा होता है,
वो देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।